हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आप हिंदी यूनिकोड के लिए हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड को किस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको वेब ब्राउज़र को ओपन करना होगा जो भी आप यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, google.com जो है वेबसाइट को ओपन करना होगा क्योंकि ये एक सर्च इंजन भी है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, हिंदी रेमिंगटन गेल, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड आपको वर्ड टाइप करना होगा। अगर आपको सजेस्ट करता है, ठीक है, वेब ब्राउज़र, तो आप डायरेक्ट उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड डाउनलोड, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको गूगल जो है काफ़ी कुछ सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको फर्स्ट मंगल ऑब्लिक रेमिंगटन कीबोर्ड इंडिया टाइपिंग, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसकी लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर करेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट उस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उस पर पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपको हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट भी बताया गया है जो कि काफ़ी हद तक जो है कृति देव से मिलता जुलता है, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा और नीचे आना है। यहाँ पर आपको अलग अलग लिंक दी गई है, यह अलग अलग लिंक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से दी गई है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये पता करना होगा। अगर आपका विंडो 7 है तो आप 7 के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, और आपका विंडो 8 है विंडो 8 के हिसाब से, और विंडो 10 है तो 10 के हिसाब से। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का, तो पहले ये आप कन्फर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर विंडोज 7 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक कर रहे हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर सेव करने के लिए हमें सबसे पहले पूछता है, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट आपका डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव होगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ रहा है तो आप अपने हिसाब से किसी भी लोकेशन पर आप इसको सेव कर सकते हैं, तो आपको इसको सेव कर लेना है, ठीक है। जब आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से नीचे आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर छोटे एरो का साइन, इस पर क्लिक करेंगे और शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर यह सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हुआ है। उसके बाद आपको जहाँ पर यह सॉफ्टवेयर है हिंदी IME सेटअप, इस पर आपको राइट बटन क्लिक करना है और माउस से और एक्सट्रैक्ट फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आपको ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये एक्चुअल में अनजिप करने की प्रोसेस होती है, तो हम इस प्रोसेस को पूरा कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से फोल्डर आपको दिखाई देगा जिसके अंदर लिखा होगा हिंदी IME सेटअप, ठीक है। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको एक और फोल्डर दिखाई देगा, तो आपको इस पर भी डबल क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको एक रिलीज नोट और ए सेटअप, दो फाइल दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, सेटअप पर डबल क्लिक करना है। जब आप सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसकी प्रोसेस अभी चल रही है, ठीक है। इस तरह की विंडो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, ठीक है। इंस्टॉलेशन विजार्ड की आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है अब आपका अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंस्टॉल इस तरह से हो जाएगा। आपको फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, उसे भी ध्यान में रखकर आपको कुछ सेटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है, ठीक है। आप चाहें तो गूगल क्रोम जो भी आपने ओपन किया था उसे बंद कर सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड भी हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। तो अगर आप विंडो 7 यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे स्टार्ट पे क्लिक करना है, और अगर आप विंडो 10 या 8 करते हैं तो आप सर्च के अंदर भी डायरेक्ट कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको बता देता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। अगर विंडो 7 चलाते हैं और विंडो 10 चलाते हैं तो विंडो पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च का ऑप्शन 7 में भी होता है, 8 में भी होता है, 10 में भी होता है, तो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है तो आप उस पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जहाँ पे लिखा है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीज़न, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से रीज़न एंड लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसकी एक नई विंडो ओपन होगी, प्रोसेस हो रही है। थोड़ा वेट करिए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह की विंडो क्या होगा कि आपको अपने सिस्टम पर दिखाई देगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो इसका थर्ड टैब होता है कीबोर्ड एंड लैंग्वेज, इस टैब पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको चेंज कीबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। डियर फ्रेंड, कंट्रोल पैनल में जाकर हमने इस विंडो को ओपन किया है। मैं आपको एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी बताता हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से इस विंडो पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट इस पर किस तरह से पहुँचते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको क्या करना होगा, विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना होगा, जो कि रन कमांड की शॉर्टकट की होती है। इसके अंदर आपको टाइप करना है कंट्रोल CONTROL, उसके बाद डॉट लगा कर लिखना है आपको EXE, उसके बाद आपको एक स्पेस देना है और आपको लिखना है INTL.cpl। ये जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी ओपन करना हो तो आपके लिए काम आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट टाइप करना है और ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे रीजन एंड लैंग्वेज की जो विंडो थी वो डायरेक्ट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं आगे आपको क्या करना है। आपको कीबोर्ड एंड लैंग्वेज ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको चेंज कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट काम करना होगा ये हम आपको बता देते हैं। अगर आपको इस तरह से हिंदी दिखा रहा है तो आप इस कीबोर्ड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको इस कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जहाँ लिखा है ऐड ऑप्शन, ठीक है, तो आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम इसमें जो है कीबोर्ड ऐड करेंगे। आपको इसके अंदर नीचे सर्च करना है, इसमें आपको हिंदी वर्ड भी दिखाई देगा, ठीक है, जिस तरह से इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन सब दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको हिंदी भी दिखाई देगा इंडिया के लिए। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो लिखा है हिंदी INDICIME फर्स्ट वर्जन 5.1, इसके आगे जो चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक कर देना है और ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उस वो जो कीबोर्ड है वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ देखते हैं किस तरह से करना है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चाहें तो ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको नीचे देखेंगे टास्क बार पर भी यहाँ पर हिंदी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश भी दिखाई देगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर हिंदी भी दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हिंदी पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको पास में देखेंगे तो आपको कीबोर्ड दिखाई देगा। तो कीबोर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट देवनागरी इनस्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर नीचे आप देखेंगे हिंदी आपको दिखाई दे रहा है IME1, ठीक है, जो अभी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आप उस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी इस तरह की टास्क बार भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। इस टास्क बार में H लिखा है और पास में कीबोर्ड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको हिंदी रेमिंगटन गेल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आप इनस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हिंदी इनस्क्रिप्ट भी क्लिक कर सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि अगर हम कोई भी कीवर्ड से वर्ड टाइप करेंगे तो वो, ठीक है, हिंदी रेमिंगटन के हिसाब से ही होंगे। जिससे यहाँ पर डी के लिए बता रखा है क, तो देखिए हम कीबोर्ड से डी प्रेस करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर हिंदी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम हिंदी ले लेते हैं रेमिंगटन।
अब देखिए, अगर हम डी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे क्या वर्ड टाइप होता है। ये देखिए, आपको वर्ड को पहले कीबोर्ड से टाइप करना है, फिर स्पेस देना है। ठीक है, ठीक है। इस यानी ये प्रॉपर हिंदी रेमिंगटन कीबोर्ड के हिसाब से वर्क कर रहा है। ठीक है, हम देखिए इसके अंदर और भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम ई प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो हमने ई वर्ड प्रेस कर दिया, अब स्पेस देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर म आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है हिंदी रेमिंगटन गैल कीबोर्ड के हिसाब से। तो डियर फ्रेंड, इस तरह से हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में हिंदी रेमिंगटन गैल कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से यूनिकोड का यूज़ कर सकते हैं। इसका यही बेनिफिट है कि हमें ऑलरेडी कृतिदेव का बेस्ट नॉलेज है अगर, तो हमें इन स्क्रिप्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। हम हिंदी रेमिंगटन गैल कीबोर्ड का यूज़ करते हुए आसानी से यूनिकोड का यूज़ कर सकते हैं और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कंप्यूटर लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube।